गाइस अभी अगला जूनियर भाई हम नहा धोके सारे रेडी हो चुके हैं भाई। लक्ष्य को भी उठा लिया, लक्ष्य भाई बीच में बैठे हैं। जीरा लक्ष्य और भाई आज आपको सारा दिखा के आएंगे अंदर तक। गाइस पिछले लोग मैंने ना वही एंड कर दिया था और टू बी कंटिन्यू लिख दिया था, वो आज से कंटिन्यू होएगा और भाई वो काफी ज्यादा लंबा हो गया था इसलिए मैंने कहा कि भाई दूसरा बढ़ा लेते हैं। और गाइस अभी वहीं पे जा रहे हैं। पहुंच चुके और देखो जो कल मैंने आपको बिल्कुल ऊपर चढ़ दिखाया था, देखो वहाँ पे कबूतर बैठे थे, वो कितने सारे हैं। अगर सारा अभी गेट बंद है, अभी टॉप के जाना पड़ेगा। अच्छे से कबूतर बैठे थे ऊपर, कल जब भैया शाम को आए थे तब नहीं थे। देखो यहाँ से चढ़ना पड़ता है। लक्ष्य भाई खुद जाएगा ना परली साइड, चल भाई चढ़ जाए। तो मेरी हाइट के जितना है, मेरी हाइट से ही बड़ा है थोड़ा। अच्छा भाई चढ़ा दिया अंदर को, कूद जा भाई नीचे। अभी ले भाई भैया तो कूद भी गए, जल्दी कूद। कल गेट ना कम खुला हुआ था, आज और खुल गया भाई। ये कौन सो रहा कुत्ता? लक्ष्य आ जाए यार अंदर मत भाई। वो कैसे पक्षी उड़ के जा रहे हैं, वो आवाज पूरी गूंज रही है अंदर। ओ भाई साहब चले गया, आ जाओ। ओए आ जाओ ना, क्यों बाहर तो आया। ये सामने देखो, ये उर्दू भाषा में लिखा हुआ है। ये देखो डोम, देखो कितना ऊंचा है, यहाँ पे पुराना है, बिल्कुल पुराना। पिछली वीडियो में अगर गाइस आपने देखा होगा ना, जो वहाँ पे मैंने बोर्ड लगवा था लिखा था उस पर 1500 कुछ में बनी थी ये जगह। ये जेल है गाइस, यहाँ पर पूरी आवाज गूंज रही है भाई। तो ये गेट बंद है, इसके पार नहीं जा सकते। मैं वहीं अब आगे से दिखा देता हूँ। देखो गाइस ये है जेल, ये दूसरी वाली है, सारी सेम। यहाँ पे कैदी वगैरह को रखते थे। और ये थर्ड है, देखो इस पर भी कितनी मिट्टी लगी हुई है। और ये ऊपर जाने का रास्ता, इस पर ताला लगा रखा, नहीं तो ऊपर जाके देखते। गाइस मैंने खबर बिल्कुल पास से निकाली थी, अपना पास आ चुका बिल्कुल। और भाई ये देखो जब कैसे बीच में से टूटी हुई है जमीन और इसमें से घास उग रही है। ऊपर चढ़ के देखे ना भाई, डर लग रहा है। ऊपर भाई वाला डोम था जो भाई जहाँ पे कबूतर वगैरह बैठे थे, और भाई पिछली वीडियो में उसी डोम के पास गए थे। सामने व्यू देखो कितना अच्छा है, बिल्कुल महल के ऊपर ही है, देख जे लिए है। गाइस हमने पिछली वीडियो में देखा होगा, तुषांत भी है ना उसके ऊपर चढ़ गए थे, जहाँ वो बाकी जो तीन डोम थे मेरे को धोखा दे के कि भाई यहाँ से रास्ता है। भाई इस बार ना वहीं पे चढ़ेंगे। लक्ष्य भाई तू चढ़ेगा? अब लक्ष्य का पागल बनाएंगे। हाँ लक्ष्य का पागल बनाएंगे, चढ़ेगा भाई तू? भाई जगह तो अच्छी है भाई, कूदने की बात नहीं है, वो बहुत अच्छा है और वहाँ पे बैलेंस भी बिगड़ सकता है। तो भाई मैं तेरी गारंटी लूंगा, कहीं तेरे मम्मी पापा मेरे को कहेगी भाई मैं हमारे बच्चे को ला के दे। ये बातें बताई नहीं जाती। आ जा इतना मत डरा कर, आ जा। गाइस ये देखो ये किला। लक्ष्य भाई आया होगा, तू पहली बार यहाँ पे आया है? हम भी कल पहली बार ही आए थे। ये गाइस चढ़ने की जगह, यहाँ से उतरने की जगह। पकड़म पकड़े खेल सकते हो, ये देखो ऊपर चढ़ गए। देखो सुबह तो और भी, ये देखो कितने सारे कबूतर है, सुबह तो और भी मस्त लगती है। गाइस ये काम मत करके जाया करो, ये काम गलत है। वैसे मैंने कल दिखा नहीं, कल शांति के दिन में दिख रहे हैं। ये देखो प्लास्टिक वगैरह फेंक रखा है। गाइस ऐसी जगह पे आके ऐसा काम मत करो कि भाई किसी का भी नाम लिख दो। और ये प्लास्टिक ये देखो गाइस कितने सारे नाम लिख रखे हैं भाई, ऐसे काम मत करो। और ये देखो कैसे जाना पड़ता है, नीचे नीचे चलो। इस डोम के ऊपर देखो कबूतर हमको देख के सारे भाग गए। ये देखो वो बैठे कबूतर दोबारा आ गए यहाँ पे भी बताओ, यहाँ पे भी नाम लिख रहे हैं सबने। ऐसे फायदा मत उठाओ भाई, ये देखो यहाँ पे चढ़ गए तो गाइस यहाँ से दूर दूर तक का। तो सोचो अगर उसके ऊपर चढ़ेंगे तो कितना तगड़ा भी होएगा भाई। मैंने अब देखा यार
इसके अंदर भी जा सकते हैं, वैसे हम इसके ऊपर चढ़ नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर जाने का स्वाद आएगा बिल्कुल टॉप पे। आ जा लक्ष्य भाई उधर मत जा। हाँ हाँ वही है, बीच में गड्ढा भी हो पड़ा है। देखियो कुछ नहीं है गाइस, अभी फिलहाल भाई वापस आ रहे हैं। भाई दिन में तो ऐसा कुछ मेरे को लगा नहीं, और भाई जब उसके अंदर गए थे तब मेरे को थोड़ा बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ से जैसी जैसी आवाज जैसी आ रही थी उससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मेरे को। एक बात समझ नहीं आई कि ये 500 साल पुराना किला है, लेकिन ऐसा लगता नहीं, ऐसा लगता कि 100-200 साल पुराना है, लेकिन भाई ये 500 साल पुराना है। अभी भाई पूछ चुके हैं तीन बार, भाई वापस जा रहे हैं। अभी हम उस साइड थे, ऊपर चढ़ गए थे, यहाँ से गए थे, इसे कुआं था, इसको भर दिया गया था बाद में। चल भाई चढ़ चुके हैं यहाँ पे दीवार पे, यहाँ से देखो ये लिखा हुआ है इसके बारे में, महल के बारे में, और हिंदी में भी है, स्टॉप करके पढ़ लेना। और गाइस ये देखो मैं आपको ये दिखाते हैं कि भाई 1526 में बनाई थी। सो गाइस फिलहाल भाई मैं घर पे आ चुका हूँ, और गाइस ये एक ब्लॉग नहीं था, ये दो ब्लॉग के साथ साथ चल गया, क्योंकि मैं पिछले ब्लॉग में आपको अंदर से नहीं दिखा पाया था भाई, मैं टू बी कंटिन्यूड लिखता था। गाइस अगले ब्लॉग में भाई अपनी मासी घर जाऊंगा, अभी तो मैं अपनी बुआ के घर था। भाई आपने देखा कि हम महल में गए थे, और भाई वहाँ पे अंदर से इतना बड़ा था, और भाई वो मुस्लिम का जो पहले जमाने में मुगल की लड़ाई थी भाई पानीपत में इब्राहिम लोधी के साथ। और गाइस फिलहाल भाई मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, वीडियो सुनना तो लाइक करना, चैनल पर नो सब्सक्राइब कर रहा, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।